So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ब्लाइंड लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ फाइनली पिया को पता चल जाता है कि श्रुति की आंखें वापस आ सकती है, श्रुति भी देख सकती है। और ये जान के पिया बहुत ज़्यादा खुश थी। पिया अपने फैमिली डॉक्टर से बात करती है जो कि इस टाइम अब्रॉड में होते हैं। वो पिया को सारी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करने को बोलते हैं, पर पिया के पास मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए वो श्रुति की छोटी बहन को पकड़ती है और उसे बोलती है कि मुझे श्रुति की सारी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, मैंने अपने डॉक्टर से बात करी है और उन्होंने मांगी है। जिस पर वो कहती है सारी मेडिकल हिस्ट्री तो पापा के पास होती है और पापा तो अभी खेत गए हैं और वो तो शाम को ही आएंगे। जिस पर पिया बोलती ठीक है मैं वेट कर लूँगी। पिया बहुत वेट करती है पर अब उससे और वेट नहीं हो रहा था। वो ये सोच के एक्साइटेड थी कि वाह श्रुति की वापस आंखें वापस आ सकती हैं और फिर श्रुति भी मुझे देख पाएगी। और ये सोच के ही पिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अब उससे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो श्रुति की बहन को कहती है कि मुझे बता दो खेत का है, मैं खुद चली जाऊँगी। जिस पे वो थी आप खुद के लिए नहीं जा पाओगी, मैं आपको ले चलती हूँ, लेकिन अभी पहले मुझे थोड़ा सा माँ के साथ हाथ बटाना है काम में, उसके बाद चलेंगे। पिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं वेट करती हूँ। पिया रूम में चली जाती है जहाँ श्रुति थी। वो श्रुति पिया के रूम में आते ही कहती है पिया पिया कहाँ थी आप? पिया बोलती पता चल गया आपको मेरे आने का? जिस पे श्रुति बोलती पता चल गया थी कहाँ आप? श्रुति की बात सुनकर पिया बोलती अरे मैंने कहाँ जाना है, मैं तो बस यहीं पे थी। जिस पे श्रुति बोलती अच्छा यहाँ आके बैठो मुझे आपसे बात करनी है। जिस पे पिया श्रुति के पास आके बैठ जाती है। श्रुति बोलती आप आपसे एक बात पूछूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? जिस पे पिया बोलती नहीं। श्रुति बोलती वो उस दिन नशे में आपने मुझे कुछ बोला था पर मुझे समझ नहीं आया था, क्या आप बता सकते हो उसका मतलब क्या था? जिस पे पिया को समझ में नहीं आता कि श्रुति किस बारे में बात कर रही है, लेकिन पिया अभी कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। पिया तुरंत खड़ी हो जाती है, कहते वो मुझे कुछ काम है मैं आती हूँ। पिया बाहर आ जाती है और इतने में ही पिया के मोबाइल पे कॉल आती है। पिया कॉल देखती है, कॉल किसी और की नहीं उसकी मॉम की थी। पिया काफ़ी गुस्से में थी और उसे अपनी माँ से बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी, इसलिए पिया कॉल कट कर देती है। उसे वो मोमेंट याद आता है जब पिया ने अपनी माँ को बता भी दिया था कि इस इंसान ने बचपन में मेरे साथ भी, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने अपने हस्बैंड का ही साथ दिया पिया का नहीं, इसलिए पिया बहुत दुखी थी। और अब वो सोचते कि वो बिल्कुल भी अपनी माँ से बात नहीं करेगी। और फिर वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए श्रुति की तरफ देखते हैं। श्रुति रूम से बाहर आ रही थी तभी पिया दौड़ के श्रुति को होल्ड कर दिया कि कहाँ जा रही हो? श्रुति बोलती आपके पास ही आ रही हूँ, अब कहाँ गायब हो, मुझे बात करनी है। पिया बोलती देखो श्रुति मैं कुछ भी नहीं बता सकती तुम्हें। श्रुति बोलती हम दोस्त हैं ना? पिया बोलती हाँ हम दोस्त हैं, तो इसलिए आपको ना मेरी प्रॉब्लम कम करनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए प्लीज़, वो सब बात से ना मुझे सिर्फ तकलीफ़ होगी, क्या आप मुझे तकलीफ़ में देखना चाहती हो? बोलो। जिस पर श्रुति शांत हो जाती है और कहती है आई एम सॉरी मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पिया बोलती है एक काम करते हैं हम ना थोड़ा बाहर चलते हैं, ताज़ा हवा में सांस लेते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। जिस पे श्रुति बोलती है ठीक है, और ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए। जहाँ पिया थोड़ी परेशान थी और उसे वही अपने पापा यानी उसके जो स्टेप डैड थे उनकी हरकत याद आती है। पिया श्रुति को देखती है और कहती है श्रुति आई एम सॉरी। श्रुति बोलती किस लिए? पिया बोलती उस रात जो भी आपके साथ सब चीज़ के लिए। और यहाँ श्रुति समझ जाती है कि पिया किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही है। श्रुति कहती पिया अपना अपना हाथ धो ना। पिया बोलती क्यों? श्रुति पिया के हाथ थामने के लिए यूँ आगे हाथ कर रही थी, इसलिए पिया खुद ही अपना हाथ श्रुति की तरफ बढ़ा देती है। श्रुति पिया का हाथ होल्ड करती है और कहती है देखो आपकी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। पिया बोलती पर वो सब। श्रुति बोलती प्लीज़। तभी पिया को फिर से कॉल आती है और पिया कहती है क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे बार बार जब मुझे बात नहीं करनी? और पिया तब बोल के अपना कॉल कट कर देती है। श्रुति बोलती क्या हुआ क्यों इतने गुस्से में हो? पिया बोलती नहीं कुछ कुछ नहीं बस बस ऐसे ही। श्रुति बोलती किसकी कॉल है? पिया बोलती बोला ना किसी की कॉल नहीं है। श्रुति बोलती आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पिया बोलती नहीं कर रही यार मैं गुस्सा, बोला ना किसी की कॉल नहीं है, पीछे ही पड़ जाती हो आप तो। पिया यहाँ श्रुति के साथ थोड़ा मिसबिहेव करती है, श्रुति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि पिया ने इस टोन में बहुत टाइम बाद उससे बात की थी, इसलिए श्रुति मुंह बना के खड़ी हो जाती है। पिया को थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि उसने बदतमीजी कर दी, इसलिए
प्रियावती श्रुति लुक आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। श्रुतिवती सही कहा, मैं पीछे पड़ जाती हूँ ना आपके, आपको यहाँ रुकना, आप रुको, मैं वापस घर जा रही हूँ। श्रुति घर जाने लगती है पर तभी प्रिया उसका हाथ रोकते हैं। आई एम सॉरी प्लीज़, अच्छे बाबा ये लो कान पकड़ लिए मैंने। श्रुतिवती मुझे क्या पता आपने कान पकड़े हुए। तो प्रिया हंसते हुए श्रुति का हाथ लेती है और अपने हाथ पे रखती है जो कि उसके कान को टच करती है। देखा पक्का मैंने हाथ पकड़े हुए, अब तो माफ़ कर दो ना। श्रुतिवती हाँ तो ऐसी गलती क्यों करती हो जिस पे कान पकड़ने पड़े। प्रियावती अच्छा बाबा आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। जिस पर श्रुतिवती ठीक है पर फिर से ऐसे बात की तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। प्रियावती ना बाबा कभी ना बात करूँ इस टोन में। और तभी वहाँ श्रुति की बहन आ जाती है। अरे प्रिया दीदी मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, जाना नहीं है क्या आपको। तभी प्रिया अपनी फिंगर ऐसे लिप्स पर रख के श्रुति चुप हो जाओ। इस पर श्रुतिवती कहाँ जाना था प्रिया को। प्रियावती यहीं बाहर आना चाह रही थी, आप रूम में थी तो मैंने इसे बोला तो बस वही वही कह रही थी। जिस पर बोलती मैं ले जाऊंगी ना, कहाँ जाना है आपको। प्रियावती कहीं नहीं बस इधर ही घूमने फिरने के लिए। श्रुति अपनी बहन को बोलती है कि मैं भी साथ आऊँगी। वो कहती ठीक ठीक है दीदी चलो। अब ये तीनों घूमने लगते हैं। प्रिया श्रुति के बहन का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा पीछे खींचती है और कहती अरे यार श्रुति के सामने मैं कैसे खेत तक जाऊँ, कैसे बात करूँ आपके पापा से, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। तो कहती है श्रुति दीदी कुछ ऐसे ही पता चलेगी ना, आपके साथ साथ मुझ पर भी गुस्सा करेंगे, प्लीज़ आप इन सबसे दूर रहो ना। प्रियावती तुम नहीं चाहती तुम्हारी बहन की आंखें वापस आए। इस पर बोलती मैं चाहती हूँ पर श्रुति दीदी सबके लिए कभी मन नहीं मानेंगे, आपसे कभी ऐसा नहीं लेंगी। जिस पे प्रियावती सादा मत बनो तुम बस जो मैंने कहा उतना करो, बाकी मेरा काम है, मैं कुछ संभालूंगी तुम्हारी बहन को। इस पर श्रुति की बहन बोलती अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। और फिर वो कहती अरे प्रिया दीदी मुझे तो याद है आपको माँ घर पे बुला रही थी, उन्होंने ना आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह स्टिच करवाए थे तो आपकी नाप चाहिए थी, कह रही थी आप एक बार पहन के देख लो तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी, चलो चलो मैं आपको घर ले जाती हूँ। वो बोलती कोई बात नहीं मैं घर खुद ही चले जाऊँगी, तुम प्रिया को घुमा दो। जिस पर वो कहती पक्का ना आप घर चले जाओगे। श्रुति बोलती है हाँ भाई मेरा गाँव है, मैं मुझे हर जगह पता है कि मैं खुद चले जाऊँगी। प्रिया बोलती नहीं नहीं मैं पहले तुम्हें छोड़ देती हूँ फिर घूमने जाऊँगी। प्रिया श्रुति की बहन को बोलती है तुम देखो तुम्हारे पापा खेत में, मैं तब तक इसे छोड़ के आती हूँ। वो कहती अच्छा ठीक है। यहाँ प्रिया श्रुति को घर तक छोड़ने जा रही थी और श्रुति का सहारा बने हुई थी। श्रुति बोलती मैं घर अकेले जा सकती हूँ। प्रिया बोलती जानती हूँ पर आपके पास अभी स्ट्रिक नहीं है ना। श्रुति बोलती हाँ जब आप पास होती हो तो मुझे स्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिया मुस्कुराती कहती क्यों मैं आपकी स्ट्रिक हूँ क्या। जिस पर श्रुति बोलती है प्रिया हंसने लगती है और फिर ऐसे ही लोग बात करते करते श्रुति के घर तक आ जाते हैं। प्रिया श्रुति को उसके रूम तक छोड़ती है और फिर श्रुति को देखने लगती है। श्रुति बोलती क्या हुआ आपको जाना नहीं है। प्रिया श्रुति को हक करती है और कहती है अपना ख्याल रखना मैं बस यूँ गई और यूँ आई। प्रिया दौड़ के वहाँ से जाने लगती है। श्रुति मुस्कुराती है और फिर कहती है लड़की ना बिल्कुल समझ के बाहर है मेरे। यहाँ प्रिया बाहर आती है घर से थोड़े ही दूर जहाँ श्रुति की बहन उसका वेट कर रही थी। वो प्रिया को बोलती है हम ये कर तो रहे हैं पर दीदी बहुत चिल्लाएंगे मुझ पर। तो वो कहती तुम अपनी दीदी का चिल्लाना देख लो या फिर उसकी खुशियाँ देख लो। जिस पर बोलती ठीक है दीदी के चिल्लाना बर्दाश्त हो जाएगा पर बस उनकी आंखें वापस आ जाए। अब ये दोनों खेत में आ जाते हैं जहाँ श्रुति के पापा काम कर रहे थे। वो प्रिया को देखते हैं कहते अरे बेटा तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर प्रिया बोलती अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी तो दो मिनट अगर आपके पास हो। बोलते हाँ बेटा बस दो मिनट मैं ये हाथ धो लूँ। तो यहाँ श्रुति की बहन अपने पापा के हाथ धुलाती है और फिर प्रिया बोलती अंकल वो मुझे ना श्रुति के बारे में बात करनी थी, मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है और वो ना श्रुति की सारी मेडिकल हिस्ट्री मांग रहे हैं, आपके पास तो सारी होंगी ना। तो कहते हाँ बेटा मेरे पास सारी है पर तुम उनका क्या करोगी। प्रिया बोलती अंकल अभी तो बताया एक डॉक्टर को दिखाना है। तो बेटा मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखा लिया है। वो कहती अंकल बस मेरे कहने पर एक बार प्लीज़। तो वो अपनी छोटी बेटी को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि घर जाओ और कबर्ड में ऐसे ऐसे वहाँ पे सारी मेडिकल हिस्ट्री पड़ी होगी तो तुम ना इसको उठा के दे देना। जिस पे श्रुति की बहन बोलती है ठीक है पापा अब हम चलते हैं। यहाँ श्रुति की बहन प्रिया ये दोनों घर आ जाते हैं और घर जाते हैं। श्रुति की बहन अपने पापा के रूम में जाती है और वो सारी मेडिकल हिस्ट्री उठा के प्रिया को देती है। प्रिया उन सबको एक PDF में बना लेती है और उसके बाद वो अपने डॉक्टरों को सारी की सारी PDF शेयर कर देती है। उसके डॉक्टर अभी एक पेशेंट को चेक कर रहे थे इसलिए अभी देख नहीं पाते। प्रिया बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर अभी कांटेक्ट नहीं पॉसिबल हो रहा था। प्रिया रूम में जाती है जहाँ वो श्रुति को बैठे हुए देखती है।
श्रुति कुछ काम कर रही थी पर ना दिखने के कारण उसे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पिया श्रुति को देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। पिया बोलती है, श्रुति मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी आँखें तुम्हें वापस लुटा के रहूँगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितने ही पापड़ क्यों ना बेलने पड़े। पिया श्रुति को बहुत प्यार से देखती है और उसके पास जाके बैठ जाते हैं। श्रुति अपना काम कर रही थी तभी पिया श्रुति के हाथ से वो सब सामान लेती है और उन्हें साइड पे करती है। श्रुति बोलती क्या कर रही हो, मैं कुछ कर रही थी ना। पिया बोलती जानती हूँ पर मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम करना है। पिया इतना बोल के श्रुति की गोद में अपना सर रख के लेट जाते हैं। श्रुति बोलती तुम ऊपर सीधे होके लेट हो ना, ऐसे ऐसे क्यों लेट रहे हो। पिया बोलती मुझे ऐसे सुकून आता है। तो श्रुति हंसने लगती है। पिया अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे बार बार यही बात खटक रही थी कि अब उसकी माँ उसे क्यों कॉल कर रही है, जब पहले नहीं जानना चाह पहले नहीं बात करी तो अब क्यों कर रही है। पिया ये सब सोच रही थी कि तभी पिया के मोबाइल में फिर से कॉल आ गया। पिया अपना मोबाइल देखते इस खुशी में कि शायद डॉक्टर की कॉल होगी, पर यह उसकी मोम की ही कॉल थी। पिया गुस्से में कॉल कट कर देती है। श्रुति बोलती है क्या प्रॉब्लम है, कौन बार बार कॉल कर रहा है, बात क्यों नहीं करती। पिया श्रुति का हाथ लेके अपने सर पे रख देती है। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर दबा दो। श्रुति बोलती कोई टेंशन है क्या। पिया बोलती सब ठीक है। श्रुति बोलती मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो। पिया यूँ उठती है और श्रुति को देखने लगती है। कहती कैसे पता चल जाता है आपको। श्रुति बोलती बताओगी क्या प्रॉब्लम है। पिया बोलती अभी नहीं, प्लीज़ मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। श्रुति बोलती आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है जो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती। पिया हंसते हुए कहती श्रुति ऐसी कोई बात नहीं है, आई ट्रस्ट यू ओके, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, पर प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। श्रुति बोलती क्या बात है, प्लीज़ बताओ ना। पिया बोलती मेरे स्टेप डैड वो है मेरी प्रॉब्लम, आई जस्ट हेट हिम, मुझे उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बहुत नफरत है उनसे। श्रुति बोलती आप इसीलिए घर पे नहीं रहती हो और हॉस्टल पे रहती हो। पिया बोलती इसलिए मैंने हॉस्टल में रहना स्टार्ट किया सिर्फ उन्हीं के कारण। श्रुति बोलती अच्छा आप इतना मत सोचा करो ना उनके बारे में, आप बस अपनी मोम के बारे में सोचा करो। पिया बोलती बस उन्हीं के बारे में ही सोचती हूँ, पर पता नहीं मोम को क्या हो गया, वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, शायद वो भूल गई है कि मैं उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हें अपने हस्बैंड के अलावा अब कुछ नहीं देखता। श्रुति बोलती आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, वो आपकी मोम है। पिया बोलती जानती हूँ पर शायद मैं उनकी बेटी हूँ ये बात वो भूल गई है। यहाँ पिया की आंखों में आंसू थे। श्रुति पिया की आवाज़ से ही समझ आती है कि पिया बहुत दुखी है और रो रही है। श्रुति अपना हाथ पिया के फेस पर रखती है और तभी आंसुओं पर हाथ जाके पड़ता है। यहाँ श्रुति पिया के आंसू पोंछती है और कहती आप इतनी स्ट्रोंग हो और फिर भी रो रही हो। पिया बोलती कभी कभी इंसान ना जितना सोचता उतना स्ट्रोंग नहीं होता। श्रुति बोलती अच्छी ठीक है आप रिलैक्स हो जाओ। श्रुति पिया को हक करती है और पिया के बालों को सहलाती है। श्रुति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस टाइम वह ऐसी कौन सी बात करे जिससे पिया का मूड ठीक हो जाए और अपनी सारी टेंशन भुला दे। श्रुति पिया के शोल्डर पे सर रखती है और कहती है पता है पिया जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ ना बहुत ज़्यादा तो मैं बाहर चली जाती हूँ, आप चलोगे मेरे साथ बाहर। पिया बोलती मैं अभी बाहर से आ रही हूँ। श्रुति बोलती तो थोड़ा आराम कर लो। पिया बोलती मन नहीं है। श्रुति बोलती है आपको क्या करना पसंद है, जो पसंद है आप वही कर लो। तो पिया फिर से श्रुति की गोद में लेट जाती है। श्रुति बोलती ये क्या कर रही हो। पिया बोलती आपने बोला ना जो मुझे पसंद है मैं वो करूँ, मुझे आपकी गोद में लेटना पसंद है। जिस पर श्रुति हंसने लगती है और फिर श्रुति पिया के सर पे अपना हाथ रख के हल्का हल्का दबाते हैं। यहाँ पिया को काफ़ी अच्छा लगता है, पिया आँखें बंद करते उसे थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसे लगता है वो अपनी सारी टेंशन भुला चुकी है। पिया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी पिया को कॉल आती है और फिर से उसका मूड ख़राब हो जाता है। पिया बोलती फिर से कॉल क्यों कर रही है, बार बार कॉल क्यों कर रही है मुझे। पिया मोबाइल देखते हैं स्क्रीन की तरफ तो डॉक्टरों की कॉल थी। पिया बोलती मैं बस अभी आती हूँ। पिया तुरंत चारपाई से नीचे छलांग मार के उतरती है। श्रुति बोलती क्या हुआ गिर गए क्या। पिया बोलती नहीं नहीं आई एम फाइन। पिया दौड़ के बाहर जाती है कॉल पिक करती है और डॉक्टर को बोलती आपने अपने पूरी रिपोर्ट देखी, क्या क्या लगता है आपको, श्रुति की आँखें वापस तो आ जाएंगे ना। डॉक्टर बोलते हैं हाँ लगता तो है पर अभी हमें कुछ और टेस्ट वगैरह करने होंगे, अच्छे से पूरी चेकअप दोबारा करना होगा और ये टेस्ट तो वैसे भी बहुत पुराने हैं सारी रिपोर्ट्स, एक बार फिर से पूरा चेकअप करना होगा उसके बाद ही बता पाऊँगा। पिया बोलती अच्छा आप वापस कब आ रहे हैं इंडिया। जिस पर बोलते अभी तो बताना बहुत मुश्किल है, अभी 5-6 मंथ तक तो
चांस ही नहीं है। पिया बोती पर अच्छा ठीक है, आप अगर हो सके तो कोशिश करिएगा, जल्दी आ जाएगा। और हाँ, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है पिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यू कैन ट्रस्ट मी। अरे इतना बोल के कॉल ही कट कर देते हैं। पिया ये सोचते हैं कि 5-6 महीने, ये तो बहुत लंबा टाइम है, 5-6 महीने तक कैसे वेट करूँ। एक काम करती हूँ, तब तक ना श्रुति को किसी और डॉक्टर को चेक करा लेती हूँ। पर नहीं, श्रुति भी तो नहीं मानेगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो श्रुति को मनाने में ही होगी मुझे। पिया रूम में आती होगी थी, श्रुति वैसे तुम्हें पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ज़्यादा। श्रुति हंसते हुए थी, आप खुद की तारीफ खुद ही कर रही हो। पिया बोलती हाँ, क्योंकि आप मेरी तारीफ़ नहीं कर सकती ना, आपने मेरी सुंदरता देखी कहाँ है, कहाँ से आपकी आँखें होती आप मुझे देख पाती है ना। जिस पर श्रुति बोलती है पिया बोलती अच्छा वैसे आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर्स ने क्या बोला, आपकी आँखें वापस आ सकती हैं। श्रुति कहती है मुझे नहीं पता। पिया बोलती एक काम करते हैं, मैंने एक डॉक्टर को जानती हूँ, हम ना वापस जाने के बाद डॉक्टर को चेक कराएंगे, हो सकता है कि चांस हो आपकी आँखें वापस लाने का, राइट। जिस पे अक्षय बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर पॉसिबल होता तो डैड कब का मेरा ऑपरेशन करा चुके होते, और वैसे भी मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे रहने की वैसे भी अब आदत हो चुकी है। पिया बोलती है श्रुति पर अगर तुम्हारी आंखें आएंगी तो कितना सुंदर होगा ना, तुमने आज तक उस सुंदर नदी को भी तो नहीं देखा जो तुम्हारी फेवरेट है, तुम एक बार उसे अपनी आंखों से देखो तो सही, बहुत सुंदर है उस नदी का बहता हुआ वो पानी, वहाँ की वो फूलों की खुशबू, वहाँ जो सुकून है ना वो। और पता है भगवान ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई है इस दुनिया में, किस लिए, हम इंसानों के लिए ना, ताकि हम उन चीज़ों से लुत्फ़ उठा सके, और क्या ही फ़ायदा अगर आप उन्हें देख ना पाओ। तो कोशिश करते हैं ना, क्या पता आपके आगे वापस आ जाए और फिर आप इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देख पाओगे, इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लावर्स, फ्लावर, इंसान, उनके चेहरे, जानवर, वो बकरी का बच्चा है ना क्यूट सा, जो आपको बहुत पसंद है, आपने कभी तो उसे उसे भी नहीं देखा, उसे देखना चाहते हो ना आप। जिस पे श्रुति बोलती है पिया बोलती तो डॉक्टर टोटो को अपॉइंटमेंट ले लूँ मैं। श्रुति कहती पिया आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पिया बोलती हम दोस्त हैं ना, मेरी बात नहीं मानोगी। श्रुति बोलती पिया प्लीज़, मैंने बोला ना आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है मेरे पापा ने कोशिश नहीं करी मेरी आंखें वापस लाने की। पिया बोलती मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस चाहती थी हम एक ट्राई करके देखें। श्रुति बोलती अगर भगवान ने ये चाहा होगा मेरी आंखें वापस आ जाए तो वो आ जाएंगी, आप ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। पिया बोलती देखो श्रुति भगवान पे उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं, समझी, अगर हम इंसान ही हाथ पैर नहीं मारेंगे और सब कुछ भगवान पे छोड़ देंगे तो ऐसा थोड़ी होगा, भगवान भी तो कहते हैं कि तुम कोशिश तो करो, मैं मदद करूँगा, राइट। श्रुति कहती है मेरे पापा ने बहुत कोशिश किया और आप इन सब में मत पड़ो, मुझे नहीं पसंद। पिया बोलती श्रुति पर जिस पर श्रुति बोलती पिया प्लीज़ मैंने मना किया ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। पिया बोलती श्रुति सच में बहुत ज़िद्दी है, क्या करूँ, इसे मनाना इतना मुश्किल क्यों है। तभी यहाँ श्रुति चारपाई से नीचे उठने लगती है, पिया तुरंत उसके लिए शूज सामने रख देती है। और श्रुति बोलती ये सब मत किया करो। पिया बोलती मैंने क्या किया। श्रुति बोलती जैसे मुझे तो पता ही नहीं होता कि आप मेरे शूज़ सेट करके रखती हो। जिस पे पिया बोलती हाँ तो ये सब नहीं करूँगी जब आपकी आँखें वापस आ जाएंगी। श्रुति बोलती पिया क्यों जिद कर रही हो, मैंने बहुत से डॉक्टरों को पहले ही दिखा लिया। पिया बोलती मेरे कहने पे बस एक डॉक्टर प्लीज़। श्रुति बोलती पिया प्लीज़ मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी, आपको अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करनी थी, मैंने फोर्स किया, नहीं किया ना तो अब आप भी मुझे फोर्स मत करो। पिया बोलती ठीक है आई एम सॉरी। श्रुति वहाँ से चली जाती है। पिया कहती क्या करूँ इस लड़के की इतनी ज़िद्दी क्यों है। यहाँ देखते ही देखते शाम हो जाती है, श्रुति के पापा भी घर आ चुके थे, ये सब जब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे तो श्रुति के पापा बोल पड़ते हैं कि पिया बेटा वो रिपोर्ट्स तुमने दिखाई डॉक्टरों को, उन्होंने क्या बोला। तभी श्रुति बोलती कौन सी रिपोर्ट पापा। जिस पे श्रुति के पापा कहते नहीं बेटा कोई रिपोर्ट नहीं। श्रुति बोलती पापा प्लीज़ आप मुझे नहीं बताएंगे। जिस पे कहते बेटा वो तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री मांगी थी किसी डॉक्टर को दिखाना था। जिस पे श्रुति कहना वहीं छोड़ देती है और उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगती है। पिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। पिया बोलती श्रुति मेरी बात तो सुनो। श्रुति बोलती क्या बात सुनो, मैंने मना किया था ना आपको। पिया बोलती अरे वो आपके मना करने से पहले मैंने सारी हिस्ट्री मांगी थी आपकी, और आपकी क्या प्रॉब्लम है। हाँ मैं चाहती हूँ आपकी आँखें वापस आ जाए, आप नहीं क्या।
श्रुति बोलती है हाँ मैं नहीं चाहती अब मेरी आंखें वापस आए, और क्यों चाहूँ मैं, मेरी आंखों के चक्कर में ना मेरे पापा की सारी ज़मीनें बिक गई, सारे जानवर बिक गए, अब जो जो थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरी आंखों की वजह से बिके, आंखें तो मेरी वापस नहीं आई पर सारी ज़मीन भी चली गई, कौन लाएगा वो वापस, बोलो पिया बोलती वो भी वापस आ जाएंगी एक बार आपकी आंखें तो आने दो। श्रुति बोलती पिया प्लीज़ मुझे इन सब में बात नहीं करनी, और आप ना इन सब से दूर रहो, मैं आपके फैमिली मैटर्स में नहीं बोल रही थी ना, तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। पिया बोलती है वाह श्रुति दो ही मिनट में मुझे बेगाना कर दिया, फाइन आपका फैमिली मैटर है ना मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये घर भी तो आपका है तो मुझे यहाँ भी नहीं रहना चाहिए, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। श्रुति बोलती पिया कहाँ जाओगी इतनी रात में, पिया बोलती जहन्नुम में जाऊँगी पर यहाँ नहीं आऊँगी। पिया भी बहुत ज़िद्दी थी, वो रूम में जाती अपना सामान उठाने लगती है, तभी श्रुति आ जाती है। श्रुति यूँ बाएँ फैला के खड़ी हो जाती है कि कहीं नहीं जाओगे आप, पर पिया तो नीचे से गुजरने लगती है, जिस पर श्रुति ना समझ जाती है कि नीचे से गुजर रही है, एक तो उसकी पाँव की मूवमेंट यानी उसकी आहट, और दूसरे उसकी इतनी तेज़ फ्रेगनेंस से पता चल जाता है, इसलिए श्रुति उसे पकड़ लेती है कि मना किया ना आपने कहीं नहीं जाओगी। पिया बोलती छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। श्रुति बोलती पिया प्लीज़ जिद मत करो, पिया बोलती जिद आप कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी। श्रुति बोलती प्रॉब्लम है मैं नहीं चाहती बची हुई ज़मीन भी मेरी आँख की वजह से बिक जाए। पिया बोलती कुछ नहीं बिकेगा मैं वादा करती हूँ आपसे। श्रुति बोलती मैं जानती हूँ मेरे ऑपरेशन में बहुत पैसे जाएंगे, और वो पैसे पापा के पास नहीं है, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बेच दिया, बहुत सा कर्जा भी ले लिया, अभी वो भी उतारना रहता है और फिर से और कर्जा, मैं कोई कर्जा नहीं चढ़ने दूंगी अब पापा पे। पिया बोलती ठीक है सारा कर्जा मैं उठाऊंगी। श्रुति बोलती आप क्यों उठाओगी, हाँ क्या समझती हो खुद को, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगी एक रुपया भी नहीं। पिया बोलती श्रुति आई एम योर फ्रेंड यार, इतना भी मेरा हक नहीं है तुम पे, और जब तुम्हारे पास पैसे है तुम लौटा देना। श्रुति बोलती मेरे पास पैसे नहीं आएंगे और ना ही मैं कभी लौटा पाऊँगी, आंखें आने के बाद भी ना अंधी बन के रह जाऊँगी यही सोच सोच के कि कर्जा कैसे उतारूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे पे कोई एहसान मत करो। पिया बोलती मैं कोई कर्जा नहीं दे रही हूँ यार, ठीक है जब आप मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी ना आप मेरी हेल्प कर देना। श्रुति बोलती आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी और मुझे आपसे कोई फेवर नहीं लेना। पिया बोलती श्रुति प्लीज़ मेरे लिए, श्रुति साफ मना कर देती है। पिया बोलती ठीक है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तभी वहाँ पे श्रुति की मम्मा आ जाती हैं जो पिया को जाने से रोक देती हैं। अब वो इतना प्यार से पिया को रोकती हैं कि पिया के जाने का मन ही नहीं होता, पिया की आँख में आंसू आ जाते हैं और उन्हें याद आता है कि उसकी माँ ने तो उसे कभी घर से जाने से रोका ही नहीं, इनफैक्ट उस दिन जो इतना सब कुछ हुआ तब भी उसकी माँ ने उसे नहीं रोका और जाने दिया। यहाँ पिया अब जाना कैंसिल कर देती है, पर वो श्रुति से बात नहीं करती क्योंकि वो श्रुति से थोड़ा नाराज थी। यहाँ श्रुति की बहन भी श्रुति को समझाती है कि दीदी पिया दीदी जो कर रही थी आपके लिए ही तो कर रही थी, और इसमें क्या ही गलत है, वो आपकी दोस्त है आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। जिस पर कहती तू क्या चाहती है, मैं उसे इतना बड़ा एहसान लूँ इतना बड़ा कर्जा और उतारेगा कौन। हाँ जिस पर श्रुति बोलती है दीदी आपकी आँखें आ जाएंगी ना तो आप उतार लोगे, मुझे पता मैं भी काम करूँगी, हम दोनों मिल के कर लेंगे सब हो जाएगा, और पापा भी तो हैं एक आध ज़मीन और भेज देंगे। जिस पर श्रुति बोलती एक आध ज़मीन तुझे पता भी है यही थोड़ी सी ज़मीन हमारे पास रह गई है और इसी से ही पापा काम चला रहे हैं, घर का खर्चा, फिर वो कर्जा उतार रहे हैं, और ये भी बिक गया तो कर्जा कहाँ से उतरेगा पहले वाला, और फिर एक और नया कर्जा, पागल हो गई है तू। जिस पर श्रुति की बहन बोलती हाँ दीदी हो गई हूँ मैं पागल, मैं बस चाहती हूँ आपके आँखें वापस लौट आएँ, और मुझे नहीं पता उसके लिए जितना भी कर्जा लेना पड़े पापा लेंगे, अब क्यों इस बारे में सोच रहे हो, वो पापा का काम है ना। जिस पे श्रुति मना करते कहती नहीं मैं पापा पे और बोझ नहीं बन सकती, पहले ही उन्होंने मेरे लिए कुछ कम खर्च नहीं किया है, और नहीं मैं सेल्फिश नहीं हूँ अपने पापा को कर्ज़े में डुबो नहीं सकती मैं, और ना ही मैं पिया से हेल्प ले सकती हूँ। जिस पे श्रुति की बहन बोलती है पिया दीदी बहुत अमीर है, अगर वो आप पे कुछ पैसे खर्च कर भी देंगी तो वो गरीब नहीं हो जाएंगी, और फिर आप भी कभी ना कभी उनकी हेल्प कर देना जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। जिस पे श्रुति बोलती पागलों जैसी बात मत कर, मेरे पास है ही क्या उसे देने के लिए, हाँ और उसे क्यों मेरी ज़रूरत पड़ेगी, उसके पास तो सब कुछ है। जिस पे अब श्रुति की बहन की बोलती ही बंद हो जाती है। पिया ये सारी बातें सुन रही थी, पिया समझ जाती है मैं जो भी कर लूँ श्रुति मेरी बात इतनी आसानी से तो मानने नहीं वाली, मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ पिया रूम में श्रुति का वेट करने लगती है, श्रुति रात में बहुत लेट आती है, यहाँ तक कि श्रुति की बहन भी सो गई थी, पर श्रुति इतना लेट रूम में आती है, वो शायद इसलिए लेट आई थी ताकि पिया सो जाए। श्रुति जैसे ही लेटती है पिया तुरंत करवट लेके उसे हक कर लेती है। श्रुति बोलती सो ही नहीं, पिया बोलती आपका वेट कर रही थी, अभी भी नाराज़ हो मुझसे। श्रुति बोलती सो जाओ बहुत रात हो गई है। पिया श्रुति को हक करती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी आंखों से देखो, क्या आपका मन नहीं करता मुझे देखने का। श्रुति बोलती पिया प्लीज़ हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, अच्छा यही होगा आप
आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। श्रुति तब बोल के आंखें बंद कर लेती और पिया की आंखें नम हो जाती है। न जाने क्यों पिया ये सोच सोच के बहुत रो रही थी कि श्रुति अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहती। पिया चाहती थी कि श्रुति की आंखें वापस आ जाए, पर श्रुति बहुत ज़िद्दी थी, वो पिया की बात मान ही नहीं रही थी। यहाँ थोड़ी देर में श्रुति सो जाती है, पर पिया को नींद नहीं आती। पिया बस श्रुति को ही देखे जा रही थी और काफ़ी अपसेट थी। पिया अपना सिर श्रुति के शोल्डर पर रखती है और वहीं पे सो जाते हैं। तभी श्रुति अपने आगे खोलती है और यहाँ हमें पता चलता है श्रुति सो ही नहीं थी, वो जाग रही थी। श्रुति बोला कैसे ही सो जाती, जिसके मन में और दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी। पिया का फेस श्रुति के नेक पे था और सांसें भी श्रुति के नेक पे जा रही थी। श्रुति के दिल की धड़कने बढ़ाने के लिए तो पिया की सांसें ही काफ़ी थी। श्रुति के दिल की धड़कने एकदम से बढ़ जाती है। श्रुति यूँ पिया की तरफ अपना फेस टर्न करती है और यहाँ अब श्रुति को अपने अंधेपन का एहसास होता है। वो इस टाइम पिया के फेस को देखना चाहती थी कि इतने करीब से कैसे दिखती है, पर श्रुति देख नहीं पा रही थी। श्रुति के आँख में आंसू आ जाते हैं। श्रुति पिया के फेस को टच करती है और कहती है, आप पूछ रही थी ना कि मेरा मन नहीं करता आपको देखने का, बहुत मन करता है आपको देखने का। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा ये फरिश्ता कैसे दिखता है, मैं देखना चाहती हूँ कि इस दुनिया में इतने अच्छे इंसान कैसे दिखते हैं। हम सॉरी भी आप पे गुस्सा करने के लिए, पर मैं आपसे एहसान नहीं ले सकती। मैं बिल्कुल भी आपसे कर्ज नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती उस कर्ज के चक्कर में हमारी दोस्ती भी खराब हो। मुझे बहुत मुश्किल से एक ऐसा दोस्त मिला है जो सच में मेरी केयर करता है, जो मुझ पे तरस नहीं खाता और मुझे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता है। और मैं ये दोस्त खो नहीं सकती, कभी भी नहीं। श्रुति अपनी आंखें बंद करती है। श्रुति के आंसू पिया के फेस पे गिरते हैं। पिया जग जाती है। पिया कहती है, श्रुति आप रो रही हो। पिया एकदम से थोड़ा उठती है, श्रुति के करीब आती है और उसके आंसू पोंछती है। कहती है, क्यों रो रही हो आप? श्रुति बोलती, मैं रो नहीं रही, मुझे बस नींद नहीं आ रही। पिया बोलती, इतने सी बात, नींद नहीं आएगी तो रोगे क्या? अच्छा यहाँ आ जाओ मेरे पास। यहाँ पिया श्रुति को अपने शोल्डर पर ले लेती है और श्रुति को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज वो पिया के शोल्डर पर थी। श्रुति एकदम से शांत हो जाती है। श्रुति का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। श्रुति का हाथ पिया के चेस्ट पे था। पिया के दिल की आवाज़, उसकी धड़कने श्रुति साफ सुन पा रही थी। यहाँ पिया श्रुति को देख रही थी। श्रुति का वो मासूम सा चेहरा, उसके वो क्यूट झुनोस जो रोने के कारण थोड़ी थोड़ी रेड रेड सी हो गई थी। यहाँ पिया न जाने क्या सोचती है और श्रुति के करीब चली जाती है। पिया यहाँ श्रुति के उस क्यूट से नोज़ पे किस करती है। श्रुति की दिल की धड़कने एकदम बढ़ जाती है और बेचैन हो जाता है, दिल एकदम तड़प उठता है। श्रुति बोलती है, पिया क्या क्या कर रही हो? पिया बोलती है, आपका नोज़ ना एकदम टमाटर हो गया, लाल लाल सा, तो बस चूम लिया। वैसे इतना क्यों रो रही थी? श्रुति कुछ भी नहीं बोलती। श्रुति की सांसें थोड़ी सी फूल रही थी। पिया श्रुति के नोज़ पे अपना नोज़ हल्का सा रब कर दिया, जिससे श्रुति का दिल और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। श्रुति का हाथ जो पिया के चेस्ट पे ही था, श्रुति उसे यूँ कस के पकड़ लेती है। पिया बोलती, श्रुति तुम्हारा हाथ। श्रुति को भी समझ नहीं आता कि पिया का कहने का क्या मतलब है। श्रुति का हाथ पिया के चेस्ट पे था और घबराते हुए वो पिया के चेस्ट को दबा देती है, जिस पे पिया की तो जान ही निकल जाती है। पिया के मुंह से एकदम ऐसे गर्म सी सांसें और कुछ आवाज़ें आने लगती है, जो श्रुति समझ नहीं पाती कि आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है, पर उसके कानों में ना रस घोल रही थी आवाज़। श्रुति को काफ़ी अच्छा लग रहा था। श्रुति के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। पिया श्रुति को हंसते हुए देखते हैं तो वो भी हंस पड़ती है और श्रुति को कुछ भी नहीं बोलती। पिया बस श्रुति के हाथ को देख रही थी जो अभी भी पिया के चेस्ट पे था। पिया थोड़ा ब्लश करती है और कहती, मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ? क्या क्या मुझे श्रुति का हाथ हटाना चाहिए? पिया बस यही सोच रही थी और तभी यहाँ श्रुति सो चुकी थी। पिया थोड़ा मुस्कुराती है, श्रुति के हाथ पे अपना हाथ रख दिया और श्रुति के हाथ को थोड़ा सा दबा दे दिया। श्रुति तो सो चुकी थी। पिया श्रुति का हाथ होल्ड करती है और श्रुति को देखते हुए उसके हाथ पे किस करती है। यहाँ श्रुति को भी थोड़ा सा नींद में ही एहसास होता है कि कोई उसका हाथ झूम रहा है। श्रुति थोड़ा सा यूँ करके बोलती है। पिया थोड़ा मुस्कुराती है। श्रुति के फेस को अपने हाथों से यूँ होल्ड करती है और श्रुति के फेस के करीब अपना फेस रख के वहीं पे आंखें बंद कर लेती है। यहाँ थोड़ी देर में
पिया को भी नींद आ जाती है। सो गाइस, आप लोग को पिया और श्रुति की क्यूट सी लव स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब कहीं ना कहीं पिया और श्रुति दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी ही सही पर फीलिंग्स आने लगती हैं, पर अभी तक ये दोनों अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। आप लोग को क्या लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? क्या पिया या फिर श्रुति, इन दोनों में से पहले कौन अपनी फीलिंग को समझेगा और एक्सेप्ट करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। और क्या श्रुति पिया की बात मान के उससे फेवर लेगी और अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाएगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।